डेट बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थाई है। संविधान में भी यही लिखा गया कि अस्थाई है, लेकिन दशकों बीत गए, संविधान में जो अस्थाई था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। वजह वही थी, सोच वही थी, अपना हित, अपने राजनीतिक दल का हित, अपना वोट बैंक। क्या हम अपने देश के नौजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता, जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते रहते, जिसमें तिरंगा का पान होता रहता और सरकार तमाशा देखती रहती? जी नहीं, कश्मीर भारत की मुकुटमणि है। कश्मीर और वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। सत्तर साल बाद वहां से आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। जिन लोगों पर उनकी आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, भारत का दायित्व था उनको शरण दें। लेकिन इस विषय से और ऐसे हजारों लोगों से मुंह फेर लिया गया। ऐसे लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए, भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। आखिर किसके हितों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? क्यों इन लोगों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते? सिर्फ आस्था की वजह से पाकिस्तान में इन बेटियों पर जो जुल्म होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनका अपहरण होता है, इन सबको क्यों जुठलाने पर तुले हुए हैं? नॉर्थ ईस्ट को लेकर आज आपने शायद सोशल मीडिया में अपने मोबाइल फोन पर देखा होगा, शायद अखबार देखने का मौका मिला होगा, टीवी देखने का मौका मिला होगा, मीडिया में भी देखा होगा। बोडो समस्या को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समझौता हुआ है। पिछले 5-6 दशकों में देश के ऐसे क्षेत्र और विशेषकर असम जिस स्थिति से गुजरा है, उसे बदलने के लिए कोई ठोस पहल कभी नहीं की गई। क्या हम इस स्थिति को ऐसे चलने देते? जी नहीं, कतई नहीं। हमने एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं की शुरुआत की और दूसरी तरफ बहुत ही खुले मन और खुले दिल के साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की। बोडो समझौता आज इसी का परिणाम है। कुछ दिन पहले मिजोरम और त्रिपुरा के बीच ब्रू जनजाति को लेकर हुआ समझौता इसी का नतीजा है। इस समझौते के बाद ब्रू जनजातियों से जुड़ी 23 साल पुरानी समस्या का समाधान हुआ है।